सो ह्युंडई अपनी प्रीमियम i20 हैचबैक कार के एक स्पोर्ट वेरिएंट को जल्दी इंडियन टोबिल मार्केट में लॉन्च करने वाली है, जिसे ह्युंडई i20 N लाइन के नाम से पेश करेगी। ह्युंडई i20 N पहले से इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है, अब इसे भारत में भी लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले ह्युंडई i20 N को फरीदाबाद में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया था। फरीदाबाद शहर में ह्युंडई अपना रिसर्च सेंटर डेवलप करना शुरू कर रहा है। टेस्टिंग के दौरान देखी गई इस ह्युंडई i20 N लाइन की पूरी तरह कैमोफ्लेज में पैक्ड थी। इस मॉडल में i20 से अलग एलॉय व्हील्स देखने को मिलने वाले, साथ ही इस मॉडल में डुअल एग्जॉस्ट पाइप भी देखे जा सकते हैं। इसमें आपको 17 इंच के एलॉय व्हील दिए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ह्युंडई i20 N का डिजाइन अधिक एग्रेसिव और स्पोर्टी होने वाला है। कार के फ्रंट में आपको स्पोर्टी बम्पर फ्रंट ग्रिल में N बेजिंग के साथ देखने को मिलने वाला, साथ ही इस कार के डिजाइन में कई जगह किट व क्रीज भी देखने को मिलेगी। ह्युंडई i20 ग्लोबल मॉडल को देखें तो ह्युंडई i20 जो अभी रिसेंट अपने इंडिया में अवेलेबल है, उससे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इसमें थोड़ी बड़ी ग्रिल, बड़ा एयर इंटेक के साथ बोल्ड बम्पर और शार्प हेडलाइट दी गई है। वहीं इसके पिछले हिस्से में जेड ग्लो पैटर्न के साथ टेल लाइट्स दी गई है। ग्लोबल मॉडल में कार फुल LED टेल लाइट्स के साथ आती है। आपको बता दें कि ग्लोबल मॉडल में यह कार अधिकतम 240 BHP की पावर और 265 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इस कार में आपको 6-speed मैनुअल एंड 7-speed ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स देखने को मिलता है, साथ ही इसमें आपको दो ड्राइविंग मोड भी दिए गए हैं। भारत में ह्युंडई i20 N लाइन में मौजूदा 1.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया जा सकता है। हालांकि इस इंजन का परफॉर्मेंस अलग ट्यून में लगाया जा सकता है। यह इंजन 120 bhp की पावर एंड 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि इसके इंटीरियर के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस कार के डैशबोर्ड काफ़ी बड़ा मेकओवर दिया जा सकता है। ग्लोबल मॉडल के बड़े साइज का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया जा सकता है, साथ ही इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर भी देखने को मिल सकता है। ह्युंडई i20 N लाइन को 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लॉन्च किया गया था। बताया जा रहा है कि यह ह्युंडई की अब तक की सबसे पावरफुल हैचबैक कार रहने वाली है। भारत में नई नई ह्युंडई i20 के लॉन्च होने के बाद i20 N लाइन को भी जल्दी लॉन्च करने की तैयारी में है। भारत में ह्युंडई i20 N लाइन का सीधा मुकाबला टाटा अल्ट्रोस की जो भी हाल ही में लॉन्च हुई टर्बो वेरिएंट है उससे रह सकता है। प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग कुछ 9-11 लाख रुपीज़ के बीच में रह सकती है। एंड लॉन्चिंग की बात करें तो ये अगस्त 2021 तक इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में लॉन्च हो सकती है। होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।